ठीक है। ये प्रॉब्लम क्लियर है सबको? क्या यस बोल, सर। क्या रिएक्शंस हैं इसमें? श्योर बैक का इटरेशन मतलब इसमें चलो एक नया टर्म यूज हुआ है, बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन का क्या मतलब है? देखो, नॉर्मल टाइट्रेशन क्या होती है? तुमने एक चीज बीकर में रखी, दूसरी चीज ब्यूरेट में ली, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, करेक्ट? यस सर। और इसमें इक्वेशन क्या लिख देते हो? मिली इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ बी। क्लियर? ये तो हो गया एक नॉर्मल टाइट्रेशन। एक दूसरा तरीका जो रिएक्शन करने का है कि हमने एक चीज बीकर में ली ए, ठीक है, और एक दूसरी चीज बीकर में ली बी। अब बी को ब्यूरेट में नहीं लिया, एक बीकर में लिया, और बहुत सारा बी एक साथ ए में डाल दिया। जानबूझ के बी इतना ज्यादा लिया कि टू एंश्योर दैट ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड बी इज द एक्सेस रिएजेंट। इसके बाद इस बीकर में क्या बचेगा बताओ? बी ए तो खत्म हो जाएगा, थोड़ा बी बचेगा, करेक्ट? यस सर। अब एक तीसरी चीज सेलेक्ट की सी, उसको ब्यूरेट में भरा और जितना बी बचा रह गया था उसको सी से रिएक्ट कराया। जब इस तरीके से रिएक्शन करते हैं तो इसको कहते हैं बैक टाइट्रेशन। ओके, यस इसमें पहले तो इक्वेशन क्या लिखेंगे बोलो? क्या इक्वेशन होगी इसकी? सर। के आई प्लस सी आर टू एंड टू माइनस बी एआई कहाँ आ गया बेटा इसमें? एबीसी में बताओ ना, जिस सर। तरह एम इक्विवेलेंट बी इक्वल्स टू एम इक्विवेलेंट सी। एम इक्विवेलेंट बी। जस्ट 1 मिनट,
यस हाँ, तो इसमें इक्वेशन क्या होगी, मिली इक्विवेलेंस ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी। नहीं बेटा, बी केवल सी से रिएक्ट कर रहा है क्या? सर ए से भी कर रहा है। हाँ, पहले तो तुमने जितना बी डाला उसमें थोड़ा ए से किया है, बचा हुआ सी से किया है, तो क्या होगी इक्वेशन? ए प्लस सी। ठीक है, यस। इस तरह करने से कुछ एडवांटेज मिल रहा है क्या, कोई फायदा है क्या इस तरह करने से? बैक टाइट्रेशन हम लोग कर ही क्यों रहे हैं, नॉर्मल टाइट्रेशन क्यों नहीं कर ले रहे हैं, बताओ? एनी एडवांटेज ऑफ डूइंग बैक टाइट्रेशन? बच जाता है बी, मतलब अगर कम है बी तो फिर उसके बाद दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो फिर बच जाता। नहीं, हमें तो हमारा टाइट्रेशन का एम क्या है? टाइट्रेशन का एम है ए का अमाउंट निकालना। ठीक है, यस सर। तो यहां पे हमने बी ब्यूरेट से डालते ड्रॉप बाय ड्रॉप, जितना बी यूज होता उससे ए का अमाउंट निकाल लेते। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बी डाल दिया, वो बहुत ज्यादा के अमाउंट से सी का अमाउंट सब्ट्रैक्ट करके ए का अमाउंट निकाल रहे हैं, तो फायदा क्या हो रहा है उस तरह से करने से? सर शायद सी से हमें निकालना होगा ए का, बट बी इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट। नहीं, हमें निकालना ए का एंड पॉइंट, अगर ठीक से नहीं दिखता तो फिर कर सकते। हाँ, ए और बी के रिएक्शन के लिए मेरे पास कोई इंडिकेटर नहीं है, तब ये करना पड़ेगा। भाई ए और बी का रिएक्शन खत्म हुआ ये कौन बताएगा तुम्हें? एक इंडिकेटर का कलर चेंज ना। यस। अब मान लो ए और बी के रिएक्शन के मेरे पास कोई इंडिकेटर ही नहीं है, तो क्या करूंगा? मुझे ये टाइट्रेशन अगर नॉर्मल वाली कर लेता तो मुझे एंड पॉइंट पता ही नहीं लगेगा कब ए खत्म हो गया। समझ में आया? यस। टाइट्रेशन क्यों करते हैं? सर प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। प्रोसेस ये है कि ए था बीकर में, बहुत सारा उसमें बी डाल दिया और बचे हुए बी को सी से रिएक्ट करा लिया। ओके, हाँ सर। चलो, तो अब इस प्रॉब्लम पे आए, क्या रिएक्शन होंगे इसमें? सर मीडियम कौन सा है? मीडियम से क्या फर्क पड़ना है? सर ऑक्सीजन। ऑक्सलेट अगर CO2 बनाता है तो n फैक्टर कितना है ऑक्सलेट का, बताओ? कार्बन प्लस 3 से प्लस 4 में जा रहा है। यस सर। तो n फैक्टर कितना होगा ऑक्सलेट का? 2। बेसिक में क्या बनाता है वो? CO32-। उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? प्लस 4। एन फैक्टर क्या हुआ ऑक्सलेट का? क्या कुछ फर्क पड़ेगा एसिड क्या बेसिक में बताया है नहीं बताया है? नो सर। चलिए, कैसे इसमें रिएक्शंस लिखते हैं जरा देखो। के आई प्लस के टू सी आर टू ओ सेवन goes to CR3 plus and I2, correct? ठीक है ना? Yes, yes sir. और बचा हुआ K2 CR2O7 किससे react कर रहे हैं? Oxalate से। इससे बना CO2 मान लेते हैं और CR3 plus। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवेन है? ये 40 ml 0.1 molar, एन फैक्टर 2। इसका ये टोटल अमाउंट का हमें गिवेन है,
जो दोनों रिएक्शन में टोटल पार्टिसिपेट कर रहा है कितना, 150 ml, 0.1 मोलर। ठीक है, क्लियर? के आई के एक्स मिली मोल्स मान ले, एन फैक्टर के आई का 1। अब इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस तरह जब सेम रिएक्टेंट कई रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा हो तो चेक कर लेना उसका हर रिएक्शन में एन फैक्टर सेम है कि नहीं है। अब K2Cr2O7 का यहां दोनों रिएक्शन में एन फैक्टर सेम है, करेक्ट? तो सर दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो? दोनों को डायरेक्टली ऐड करके मैं लिख दूंगा इक्वेशन, कैसे, इसकी इक्वेशन लिख दूंगा, एक्स इंटू वन प्लस 40 × 0.1 × 2 इज 150 × 0.1 × 6। ठीक है, ठीक है? Yes, sir. यहां से x निकल आएगा, क्लियर सर? बोलो। सेकेंड रिएक्शन में दिया हुआ है कि एसिडिक मीडियम? यार एसिडिक बेसिक से क्या फर्क पड़ रहा है? C2O4 2- एसिडिक में CO2 होता है और बेसिक में CO3। चाहे CO2 लो चाहे CO3 2- ऑक्सलेट का एन फैक्टर 2 ही रहेगा ना। हाँ सर, ठीक है। तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है? और अगर K2Cr2O7 एन फैक्टर अलग होता तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लो इसमें एन फैक्टर होता कुछ अलग अलग, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मान लो इसमें होता कुछ एम और इसमें एम एन ना लो, चलो कुछ और ले लेते हैं, इसमें होता पी इसमें होता क्यू। अब कैसे करते इस प्रॉब्लम को? अब तुम मानते कि K2Cr2O7 के A मिली मोल्स यहां रिएक्ट कर रहे हैं और B मिली मोल्स यहां, ठीक है? Yes, sir. और अब इक्वेशंस कैसे लिखते, पहले रिएक्शन के मिली इक्विवेलेंट इक्वेट करते, कैसे, A इंटू पी इज एक्स इंटू वन, ठीक है? दूसरे के करते B इंटू क्यू इज 40 × 0.1 × 2, ठीक है? और डाइक्रोमेट के टोटल मिली मोल्स तो A प्लस बी विल बी 150 × 0.1। समझ में आया? ऐड कर सकते हो? अब कहाँ ऐड कर सकते हो यार, सीधे दो इक्वेशन जो बने हैं, AP इज इक्वल टू एक्स एंड BQ इज इक्वल टू 40 × 0.1 × 2, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा, AP प्लस BQ? हाँ सर, तब नहीं हो पाएगा क्योंकि एन फैक्टर से। सर P एंड Q को तो हम डाल सकते हैं ना RHO। तो अब तीन इक्वेशन, तीन अननोन की प्रॉब्लम हो गई है, तीन अननोन है A, B, X, करेक्ट? Yes, sir. Yes. क्यू तो तुम्हें मिलेगा ही ना, अगर पी क्यू सेम होता तब इजी होता ना, पहले दो को ऐड करते तो पी या क्यू अगर सेम होता वो कॉमन आ जाता, समझ रहे हो? क्लियर है सर? यहाँ पे ए पी क्यू बी और एक्स सब अननोन है। पी और क्यू क्यों अननोन है यार, एन फैक्टर तो तुम निकाल ही सकते हो ना। तो एन फैक्टर अलग भी होते तो कर लोगे ना? सर एक डाउट है। हाँ बोलो सर। आप बैक टाइट्रेशन का बेनिफिट एक बार रिपीट कर सकते हो? बेनिफिट कुछ नहीं है, बैक टाइट्रेशन इज अ कंपल्शन।
अगर ए और बी के टाइट्रेशन के लिए हमारे पास कोई सूटेबल इंडिकेटर नहीं है तो वी कैन नॉट टाइट्रेट ए एंड बी डायरेक्टली। यस सर। सेकेंड पेज एक में दिखा दो। थैंक यू। दूसरा प्रॉब्लम्स अप्रोच करना क्लियर हुआ? यस यस सर। अब थोड़े प्रॉब्लम स्टार्ट करोगे करना? यस 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 सर। चलो थोड़े इजी वाले से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अभी पहले स्टार्ट करो तुम लोग, एक तो होम असाइनमेंट वन किया है सबने? हाँ सर, वो तो आपने पहला होमवर्क दिया। उसमें शायद दो प्रॉब्लम्स थे रिडॉक्स टाइट्रेशन के, तो होम असाइनमेंट वन का आई थिंक वो तुम लोग के डाउट भी होंगे, थर्ड और फोर्थ हो गए थे सर। अभी ट्राई करें। हाँ, जो अभी अभी ट्राई करने वो मैं लिख रहा हूं, उसके बाद होम असाइनमेंट थ्री पे आओ। चलो स्टार्ट करो ये प्रॉब्लम्स।
कितने कंप्लीट हो गए? होम असाइनमेंट्स वाले हो गए? बोलो। यस सर हो गए। पैसेज टू तक हो गया। होम असाइनमेंट वन में कोई डिस्कस करना है? टू सेकंड हैं? HA3 का सर HA1 का फोर्थ क्वेश्चन। HA1 का फोर्थ तो सेम थर्ड वाला ही है, उसमें क्या डिफरेंस है भाई? शायद पीछे आंसर गलत है। नहीं गलत कैसे है? HA1 का थर्ड या फोर्थ दोनों देखो, उसमें क्या है? एक बार फेरस ऑक्सलेट को रिएक्ट करा रहे हैं, करेक्ट, और एक बार फेरिक ऑक्सलेट को परमैंगनेट से, थर्ड प्रॉब्लम में, करेक्ट। फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला FeC2O4। ठीक है, फेरस ऑक्सलेट सर थर्ड वाला होगा, फोर्थ में डाउट है। थर्ड के साथ ही फोर्थ हो जाएगा। देखो फेरस ऑक्सलेट ये, इसका अगर वन मोल लिया, इसके साथ पर मैग्नेट कितना लग रहा है? इसके साथ पर मैग्नेट लग रहा है वाई मोल्स, करेक्ट, सही है। क्या बनाएंगे? ये एसिडिक मीडियम दिया है, पर मैग्नेट बनाएगा Mn2+, और फेरस ऑक्सलेट में फेरस ऑक्सीडाइज होगा फेरिक में, और ऑक्सलेट ऑक्सीडाइज होगा CO2 में, तो इसका n फैक्टर हो गया 3, इसका n फैक्टर है 5। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई? 1 × 3 इज Y × 5, करेक्ट। Y आ गया कितना? 3/5, करेक्ट। यस, फोर्थ वाले में तो शायद यही पूछा है ना, फोर्थ में यही पूछा है, आंसर 3/5 है, बताओ क्या दिक्कत है इसमें? सर आपको Fe3+ कैसे मिला? भाई पर मैग्नेट है, पर मैग्नेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो तो जो भी चीज ऑक्सीडाइज हो सकती है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, यस सर। और फेरिक ऑक्सलेट में आयरन तो ऑलरेडी +3 में है, फेरिक ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या होगा? Fe2C2O4³। अब इसके वन मोल लिए, इसका एन फैक्टर देखो, 6 कार्बन, हर एक में 1 का चेंज, तो इसके लिए इक्वेशन हो गई 1 × 6 इज X × 5, एक्स इज 6/5। ठीक है, HA1 का थर्ड फोर्थ, क्लियर है? यस। HA2 में कोई डाउट? सॉरी HA3 में कोई डाउट? सर FeC2O4 में Fe का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? अरे यार, ऑक्सलेट आयन क्या होता है बताओ जरा, बोलो। ऑक्सलेट आयन क्या होता है? C2O4 2-। यस सर। तो आयरन क्या होगा? Fe2+ ही होगा ना? यस yes. HA3 में कोई डिस्कस नहीं करना है, सेकंड सेकेंड वाला करना है। क्या गिवन है सेकेंड प्रॉब्लम में?
रिएक्शन है जिसमें कोई एक सॉल्ट सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन है सॉल्ट प्लस सल्फाइड। और सल्फाइड का हाफ रिएक्शन तुम्हें दिया है SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस बन रहा है, ठीक है, क्लियर? Yes. और सॉल्ट से मान लो कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, आई एम राइटिंग दैट एज पी। अब तुमसे क्या दिया है, सॉल्ट कितना है 50 ml 0.1 मोलर, सल्फाइड कितना है 25 ml 0.1 मोलर, सल्फाइड का एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर मालूम नहीं, तो नाउ इफ आई राइट द इक्विवेलेंस इक्वेशन, तो सॉल्ट का एन फैक्टर कितना मिल गया मुझे, 1, तो एन फैक्टर सॉल्ट का मिल गया 1, ठीक है। Yes. अब सल्फाइड में सल्फर प्लस 4 से सल्फेट में प्लस 6 में जा रहा है, करेक्ट? Yes. मतलब सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लियर? मतलब Yes. मतलब सॉल्ट की रिडक्शन हो रही होगी। Yes. तो डेल्टा ओ एन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन सॉल्ट विल बी हाउ मच, -1, क्योंकि एन फैक्टर तो तुम 1 निकाल चुके हो, मतलब डेल्टा ओ एन का मॉड 1 है। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का सॉल्ट में है 3, तो नया क्या होगा, डेल्टा ओ एन मतलब फाइनल ऑक्सीडेशन माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन, और इनिशियल ऑक्सीडेशन दिया है तुम्हें 3, तो फाइनल ऑक्सीडेशन कितना हुआ, 2, ठीक है। यस सर, डेल्टा ओ एन सॉल्ट इक्वल टू -1 इसलिए क्योंकि नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 करना। एक चीज ऑक्सीडाइज होगी तो दूसरी रिड्यूस होगी ना। यस, रिडॉक्स रिएक्शन में समथिंग गेट्स ऑक्सीडाइज देन अदर थिंग गेट्स रिड्यूस। पैसेज में कोई डाउट? क्वेश्चन 3 में भी डाउट है सर। क्वेश्चन 3 में भी डाउट है सर। Sir, can you tell the equation of KiO3 plus Ki? Problem में दी है बेटा, पढ़ो तो। Third में doubt है। K2Cr2O7 का ferrous sulfate से तुम reaction करा रहे हो, ठीक है? के dichromate ion क्या बनाता है? Cr3 plus और फेरस सल्फेट क्या बनाएगा, है? SO3 2 माइनस। बेटा सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ? प्लस सिक्स। और सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? प्लस सिक्स। तो सल्फर तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता है, तो सिर्फ आयरन होगा, +2 से आयरन +3 में जाएगा, सल्फेट को तो कुछ कर ही नहीं सकता ना डाइक्रोमेट, उसमें सल्फर तो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लियर? समझ में आया? यस, ये आंसर हो गया। सर आप प्रीवियस पेज दोगे लिखने?
सर पैसेज का सेकंड एंड थर्ड पैसेज में आ जाते हैं। चलिए पैसेज का सेकंड और थर्ड। सर जो पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें खाली है CuSO4 का एन फैक्टर बता सकते हो। चलो आते हैं पैसेज पे आते हैं। देखो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज टू आयोडीन रिलेटेड टाइटेशन। ठीक है क्वेश्चन वन में क्या गिवन है सर आप थोड़ा टाइम दोगे पैसेज के लिए। चलो पैसेज मैं कर देता हूं फिर सब्जेक्टिव भी ना सब्जेक्टिव थोड़े डिफिकल्ट है उसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है। सर थर्ड वाला क्वेश्चन बता देता हूं। थर्ड वाला तो ये है ना किया सर पैसेज डायरेक्टली आप बता रहे हो। हाँ पैसेज अब मैं बता रहा हूं। ठीक है yes. चलो देखो पैसेज टू फर्स्ट प्रॉब्लम में किसी को दिक्कत आई क्या सर इसमें कॉपर 2+ से 0 जाता कि 1+ में आता। बेटा देखो ये सब रिडॉक्स रिएक्शन किसमें होते हैं सारे रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं पानी में। ठीक है yes. पानी में ना आयंस ज्यादा स्टेबल होते हैं। अननेसेसरी सॉलिड मत बनाओ पानी में। तुमने जीरो में किया मतलब सॉलिड कॉपर बना रहे हो। yes. सॉलिड कॉपर की प्रेसिपिटेशन बहुत मुश्किल है। ओके ओके सर सर अभी हो जाएगा सर। चलो कर देते हैं अब कुछ लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो वो लोग एटलीस्ट नोट कर लेंगे। तो पहला रिएक्शन ये है फेराइट टू थायोसल्फेट से रिएक्ट हो रहा है। I- बना रहा है बेसिक मीडियम है तो ये सल्फेट। I2 का दोनों में एन फैक्टर सेम है करेक्ट। Yes, sir. तो मैं डायरेक्टली कॉपर सल्फेट और थायोसल्फेट को इक्वेट कर देता हूं। सर वो Cu+ आएगा ना राइट हैंड साइड। थायोसल्फेट के लिए क्या दिया है 1 मोलर वॉल्यूम निकालना है। ये 1 मोलर दिया है वॉल्यूम V मान लेते हैं। एन फैक्टर कितना हो गया इसका सल्फर +2 से +6 में जा रहा है 4 का चेंज है और 2 सल्फर तो 8। और कॉपर सल्फेट कितना दिया है सम इनर्ट इंप्योरिटी सॉरी गलत प्रॉब्लम पड़ गया मैं जस्ट 1 मिनट। ये 50 ml 1 मोलर दिया है 50 ml 1 मोलर का ठीक है ना। यस सर। तो अभी क्वेश्चन लिखो x into 1 is 50 into 1 into 8 तो x 400 आ गया 400 mmol। सब मास निकाल लोगे फिर परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है क्लियर है सर। बोलो सर आपने Cu2+ काट के Cu+2 लिखा। ये कॉपर यहाँ +2 में है आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कॉपर को रिड्यूस होना पड़ेगा ना। हाँ SH2 का सेकेंड प्रॉब्लम KiO3 Ki से रिएक्ट कर रहा है I2 बना रहा है। अब देखना इसमें
अब थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है इस प्रॉब्लम में। कैसा रिएक्शन है ये? मीडियम की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये रिएक्शन कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हो उसमें? कॉम प्रोपोर्शनेशन है ये, ठीक है? यस सर। और इसमें देखो I2 का दोनों रिएक्शन में एन फैक्टर भी अलग अलग है, करेक्ट? यस। चलो तो KIO3 के 214 ग्राम दिए हैं, मतलब कितने मोल्स हो गए KIO3 के? वन मोल। एक मोल। वन मोल। इसका एन फैक्टर कितना है KIO3 का इस रिएक्शन में बताओ? फाइव। थायोसल्फेट की मोलैरिटी कितनी दी है? वन मोलर। वॉल्यूम निकालना है, एन फैक्टर एट। डायरेक्टली के आईओ थ्री और थायोसल्फेट को इक्वेट कर सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। नहीं, आयोडीन का एन फैक्टर अलग है। क्या है यह इस रिएक्शन में एन फैक्टर? बैलेंस करना पड़ेगा ना, बैलेंस करना पड़ेगा इसमें सर, वो वन बाय ओएन वाला। हाँ तो बताओ ना, वन बाय टेन प्लस वन बाय टू का इनवर्स कितना हो गया? ये टेन बाय सिक्स, फाइव बाय टू। और यहां पे हम मान लेते हैं इसके एक्स मिली मोल्स हैं, तो x मिली मोल्स यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे n फैक्टर कितना है? टू। क्लियर? यस सर। तो क्या इक्वेशन हो गई यहाँ? पहले रिएक्शन से हो गई वन इंटू फाइव एस एक्स इंटू टेन बाय सिक्स, दूसरे से हो गई x। सर वो मोल मिली मोल का प्रॉब्लम क्या सर? x आपने मिली मोल में लिया है ना। अच्छा मोल ले ले, चलो मोल कर दिया इसको। तो x इंटू टू इज इक्वल टू वन इंटू वी इंटू ए। निकाल लोगे अब v यहां से? यस सर। x कितना आ जाएगा यहां से? थ्री। थ्री तो v आ जाएगा सिक्स बाय एट लीटर्स, ठीक है? Yes, सर। आप कॉपी करने का टाइम लो, करो कॉपी। फर्स्ट पार्ट एक मिनट दिखाओ ना, करें फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। हो गया नोट? हो गया है फर्स्ट? हाँ सर हो गया। सेकेंड? हाँ हो गया। नहीं सर। करो सर, आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर मैच नहीं कर रहा? क्या आंसर दिया इसका? 1500। डी दिया है ना? सर डी दिया है। हाँ तो 6 बाय 8 लीटर कितना होता है? 750 ml होता है ना सर? करेक्ट ही है। हो गया सेकेंड नोट। थर्ड वाला तो काफी सिंपल है। क्या दिया है? KIO3, सॉरी क्या है, KI को रिएक्ट कर रहे हैं IO3 माइनस से ICl बन रहा है, ठीक है?
KI के कितने मिलीमोल्स है? 1.66 ग्राम है, मतलब 10 मिलीमोल्स, करेक्ट। इसका एन फैक्टर क्या है बताओ? एन फैक्टर आयोडीन माइनस वन से प्लस वन पे जा रहा है, टू। इसके एक्स मिली मोल्स मान लू, इसका एन फैक्टर क्या है? आयोडीन प्लस फाइव से प्लस वन में जा रहा है, एन फैक्टर फोर। इसके वाई मिली मोल्स मान लू, इसमें तो कॉम प्रोपोर्शनेशन हो रही है, एन फैक्टर वन बाय टू प्लस वन बाय फोर का इनवर्स, दैट इज फोर बाय थ्री। सबके मिली इक्विवेलेंट इक्वल है, तो 10 इंटू टू इज एक्स इंटू फोर इज वाई इंटू फोर बाय थ्री, तो एक्स कितना आ गया? फाइव मिली मोल, और वाई कितना आ गया? 15 मिली मोल्स, ठीक है। क्लियर? यस सर। फोर्थ, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट ओजोन इन एयर, 22.4 लीटर एयर एट एनटीपी, मतलब वन मोल एयर ली और उसको केआई से पास कराया, ओ टू इज इवॉल्व, मतलब क्या रिएक्शन हुआ? केआई को हमने ओजोन से रिएक्ट कराया, ओ टू बना, आई टू बना और वाटर बनेगा। ओजोन के रिएक्शंस के लिए तो आई थिंक आई टोल्ड हमेशा इन फैक्टर क्या लेना है, याद है ना? ये बैलेंसिंग में भी एक कराया था, यस यस। और लिबरेटेड आयोडीन को थायोसल्फेट से रिएक्ट करा रहे हैं, S4O6 2- बन रहा है और आई माइनस। आयोडीन का एन फैक्टर दोनों में सेम है, करेक्ट। तो सी हम लोग थायोसल्फेट और ओजोन के मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? एक्स इंटू टू एस 200 इंटू पॉइंट वन इंटू वन, तो एक्स कितना आ गया? 10 मिली मोल। तो वन मोल एयर में 10 मिली मोल ओजोन है, तो परसेंटेज ओजोन कितना हो जाएगा? 0.1 10 बाय 1000 इंटू 100, 1% ओजोन, ठीक है। क्लियर है पैसेज टू? यस यस। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? समझ में आ रहा है कैसे होने हैं प्रॉब्लम्स? सर थर्ड क्वेश्चन में 6NHCl का कोई यूज नहीं है ना? नहीं, चलो अब सब्जेक्टिव स्टार्ट करो। सर आपको क्वेश्चन बता सकते? 16 से 22 है सब्जेक्टिव, ठीक है। सर बोलो। सर एक बार आप लास्ट क्वेश्चन बता सकते हो?
चलो सब्जेक्टिव का स्टार्ट करो 16 चलो 16 के रिएक्शन कौन बता रहा है मुझे और KIO3 प्लस KI KIO3
plus KI gives I2. Gives I2, okay. And I then S2O3 2 minus. Gives I minus plus S4O6 2 minus. Very good. तो आयोडीन का दोनों में एन फैक्टर सेम है कि अलग है? अलग है, अलग है, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसके एक्स मिली मोल्स ले लेते हैं, वही एक्स मिली मोल्स यहाँ आएंगे, यहाँ पे एन फैक्टर है 2, यहाँ पे एन फैक्टर कितना है 8/2, अभी अभी इसको निकाला था, इसका एन फैक्टर कितना आ रहा था 5/3, करेक्ट, सही है ना? यस सर। अब और क्या इंफॉर्मेशन दी है? KIO3 के मोल्स दिए हैं कितने? 0.1 ग्राम और मोलर मास 214 है, तो कितने मिली मोल्स हो गए? 100/214 मिली मोल्स, और इसका एन फैक्टर है 5, करेक्ट। थायोसल्फेट की मोलारिटी पूछी है, वॉल्यूम है 45 ml, मोलारिटी है मान ले, एन फैक्टर है 1, तो पहली इक्वेशन क्या हो गई? 100/214 × 5 is x × 5/3, करेक्ट, और दूसरी हो गई x × 2 is 45 × m × 1, निकाल लोगे अब इन दो इक्वेशन से m की वैल्यू? यस सर। क्लियर है ये? सेवेंटीन तो गया, यस सर, 17 भी हो गया, गुड, चलो 17 नहीं होगा, 17 17 में क्या क्या चीजें है रिएक्शन में? CuS और Cu2S, ठीक है, किससे रिएक्ट कर रहे हैं इन दोनों को? K2Cr2O7 से, करेक्ट, तो क्या बनाएगा K2Cr2O7? क्या बनाएगा बोलो, रिएक्शन तो बोलो, जिन लोग को डाउट आया है, रिएक्शन क्या होंगे इसमें बताओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट्स क्लियर है कि प्रोडक्ट में भी डाउट है? प्रोडक्ट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, प्रोडक्ट्स आर गिवेन, डाइक्रोमेट तो Cr3+ बनाएगा, कॉपर +2 और सल्फर बताया है SO2 बना रहा है, ठीक है? Yes. इसके बाद भी डाइक्रोमेट बच जाता है, करेक्ट, इसके बाद भी डाइक्रोमेट बच जाता है, उस बचे हुए डाइक्रोमेट का क्या कर रहे हैं हम लोग? बचे हुए डाइक्रोमेट को हम लोग Fe2+ से रिएक्ट करा रहे हैं,
Fe2 plus oxidize होगा Fe3 plus में, और डाइक्रोमेट तो हमेशा बनाता है Cr3 plus, ठीक है सर? वो 2 plus क्या? 2 plus, हाँ 2 plus, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब टोटल डाइक्रोमेट कितना यूज किया है? 100 ml 1.25 molar, और हर रिएक्शन में n फैक्टर देखो 6 है इसका, करेक्ट? CuS के a मिलीमोल्स मान लेता हूं मैं, Cu2S के B, CuS का n फैक्टर 6, इसका n फैक्टर 8, Fe2 प्लस के लिए दिया है 50 ml, मोलारिटी दी नहीं है, M1 मान लेता हूं, और n फैक्टर 1, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? ठीक है सर। वो M1 दिया है, आगे निकाल दो। आगे निकालेंगे, अभी इतनी इंफॉर्मेशन में तो नहीं दिया है ना, आगे तो ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? यहां तक क्लियर है? अब इसकी यहां से इक्वेशन क्या होगा, इस 6 से प्लस 8B प्लस 50 M1 इज 100 इंटू 1.25 इंटू 6, ठीक है? अब आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है, इसी Fe2 प्लस के 25 ml एक अलग रिएक्शन में पर मैग्नेट से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसी Fe2 प्लस के 25 ml पर मैग्नेट से रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब यहां n फैक्टर 1, 25 ml, मोलारिटी M1, पर मैग्नेट कितना यूज हो रहा है, 20 ml 0.875 molar, और n फैक्टर इसका 5, तो क्या इक्वेशन हो गई, 25 इंटू M1 इंटू 1 is 20 into 0.875 into 5, ठीक है? यहां से M1 कितना आ रहा है, M1 आ गया 3.5, वो M1 लास्ट इक्वेशन में रख दो तो कितना आ जाएगा, 6A plus 8B is 575, और हमें टोटल मास मिक्सचर का दिया है 10 ग्राम्स, करेक्ट? तो एक इक्वेशन उससे लिख सकता हूं, A by 1000 into कितना है, 32 plus 64, 96 प्लस बी बाय 1000 इंटू 160 इज 10। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी आ जाएगा, क्लियर? यस सर। हो गया प्रॉब्लम? क्लियर है? यस सर।
चलो नोट कर लो, सर आप प्रीवियस पेज बताओ क्या, सर आप प्रीवियस पेज बताओगे? गया है पेज, और बोलो सर, जितना भी एक्सरसाइज दिया हुआ है उसके अंदर जो सब्जेक्टिव है उसकी क्वेश्चन थी काफी अच्छा है। सब्जेक्टिव के प्रॉब्लम्स अच्छे हैं। 18th हुआ, ट्राई करो, करो 18th करो।
18th problem. हुआ की डिस्कस करें 18th. बोलो बताओ भाई. सचिन करें. ये थोड़े टफ प्रॉब्लम है. डोंट वरी इफ यू आर नॉट गेटिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट. एक बार हैबिट हो जाएगी इन प्रॉब्लम्स की, देन दे विल सीम इजी. 18th में तो बस रिएक्शंस का ही थोड़ा सा. कैन एनीबडी टेल द रिएक्शंस? जिसको नहीं आया वो क्या लिखने की कोशिश कर रहा था रिएक्शंस 18th प्रॉब्लम में? यस सर, वो जब दूसरी बार रिड्यूस होता है जेड एन से तब का रिएक्शन नहीं मिल रहा. पहले एक एक स्टेप से पहले के बताओ तुम मुझे. Fe2O4 plus MnO4 minus. Okay. Use Mn2 plus plus Fe3 plus plus CO2. Okay. Or FeSO4 plus KMnO4 or for same product. FeS same product. नहीं सर, इतना क्लियर था सबको? यस यस. इसके एक्स मिलीमोल्स मान लो, इसके वाई, इनके एन फैक्टर्स बताओ. Fe2O4 का 3 1 1. ये टोटल कितना यूज हो रहा है? 16 × 0.0. इसका एन फैक्टर दोनों रिएक्शन में. सर Fe2O4 का एन फैक्टर 3 कैसे मिला? बताओ भाई जिसने 3 बोला कैसे मिला, एक्सप्लेन करो. सर C प्लस 3 से प्लस 4 जा रहा है इसलिए वो इनटू 2 करके 2 आएगा, और Fe का प्लस 2 से प्लस 3 उसका भी प्लस 1 इसलिए 3 आएगा. समझे? यस यही है. जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ? यस सर. ओके, इसकी इक्वेशन बोलो यहां से क्या बनी. Px plus y equals to 12 into 5 6 60 सर. 6 ना? हाँ सर 6 है. अब क्या किया इन्होंने? सर प्रोडक्ट्स को रिड्यूस किया. प्रोडक्ट्स को रिड्यूस किया. प्रोडक्ट्स में Mn2 प्लस रिड्यूस हो सकता है? नो सर. नो, मैग्नीज तो प्लस 2 से नीचे जा ही नहीं सकता. मैग्नीज की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 2. ठीक है? यस. Fe3 प्लस रिड्यूस हो सकता है? यस सर. यस सर प्लस हो सकता है. Fe3 प्लस रिड्यूस होके किससे रिड्यूस कर रहे हैं? जिंक डस्ट से. Fe2 प्लस बनाएगा. ठीक है? और CO2 रिड्यूस हो सकता है? यस सर. अरे नहीं हो सकता, CO2 तो गैस थी, वो तो बाहर निकल गई, वो तो रिएक्शन में बची कहां. यस सर. वो तो एस्केप कर गई, उसकी तो कहानी खत्म हो गई. अब आगे चलिए, तो बस यही हो रहा है. तो Fe2 प्लस के यहाँ कितने मिलीमोल्स बने थे Fe3 प्लस के? भाई आयरन तो यहाँ x मिलीमोल ही बना होगा, यहाँ भी y मिलीमोल. करेक्ट? यस सर. SO4 2 माइनस भी रिड्यूस हो सकता है. SO4 2 माइनस को ना रिएक्ट कोई करा नहीं पाता यार. SO4 2 माइनस के साथ कुछ भी करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है. ओके okay? हाँ बोलो.
सर बट HCl यूज हो रहा है तो वो प्लस टू के ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता कौन SO4 माइनस प्लस सिक्स है अरे HCl खुद रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट थोड़ी कर रहा है HCl तो सिर्फ मीडियम को एसिडिक या बेसिक कर रहा है भाई ओके सर तो ये x प्लस y मिलीमोल्स थे तो इससे तो सिंपली POAC से ये भी x प्लस y मिलीमोल्स ही बनेगा करेक्ट यस सर अब फिर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं क्या ऑक्सीडाइज होगा Fe2 प्लस ही है एक ऐसी चीज जो ऑक्सीडाइज हो सकती है सॉल्यूशन में करेक्ट यस सर यस तो ये x प्लस y मिलीमोल्स है ठीक है yes, ये 40 ml 0.02 मोलर दिया है इसका n फैक्टर अब 1 है क्या इक्वेशन अब हो गई ठीक है yes, sir. समझ में आया देखो यहाँ से आयरन पे POAC लगाओ जरा ओके सर समझा सर आप SO4 माइनस का पॉइंट लिखवा सकते हो कि वो बाद में रिड्यूस हो सल्फेट को जिंक जिंक डस्ट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके ओके इट कैन नॉट रिड्यूस सल्फेट सल्फेट को रिड्यूस करने के लिए वी विल नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले का पेज दिखा सर आप कोई कंपाउंड बता सकते हो जो सल्फेट को इलेक्ट्रो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करेंगे ना ओके हो गया इतना नोट सर एक बार आप दिखा सकते क्या दिखाएं फिर से पिछला पेज डन सर अब बाकी प्रॉब्लम्स ऐसा करना तुम लोग घर में अटेम्प्ट करना ठीक है नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे ओके ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे पूरा बुकलेट सॉल्व कर सकते हैं नहीं पूरा बुकलेट अभी नहीं सॉल्व कर सकते हो अभी एसिड बेस टाइट्रेशन बचा है अभी तो हम लोग केवल रिडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे हैं ना ओके है कुछ एक्स्ट्रा यस सर यही जो प्रॉब्लम्स दिए हैं ये कंप्लीट करना बस होमवर्क में ठीक है 19 से 22 ओके ठीक है सर चलो बाय एवरीबॉडी सर हाँ बोलो सर इस क्वेश्चन में जैसे हमें पता होना चाहिए था कि Zn is the mild reducing agent so it can't reduce SO4 minus yes सर तो ऐसे क्वेश्चंस में फैक्चुअल बातें जो होती है वो कैसे याद रखेंगे मतलब वो तो अभी इनऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे हम लोग तब धीमे धीमे करके एक एक चीजें पता चलती जाएंगी ओके
चलो बाय एवरीबॉडी बाय सर थैंक यू सर